ही सफाई वाला एक बंदा मिला है, उसको बोला हमने कि कोई रूम वगैरह है तो मिल जाएगा कोई, अगर रूम भी अच्छा हो और पैसे भी मुनासिब हो तो वो बोलता पीछे थोड़ा पीछे चले जाओ, जा रहे हैं तो उसको ना मैं देख रहा था इंडोनेशियन बहुत आए हुए हैं जैसा कि उम्र के ऊपर, तो उसको जाहिर सी बात है हर बंदा अपनी खुशी से कुछ पैसे दे रखा था। तो मैं दोस्त को बोल रहा हूँ यार उसको पैसे देख कैसे दे रहा, मुझको बोल रहा है उसके पास तेरे जैसा अभी हुनर नहीं है, अगर तेरे जैसा हुनर होता ना तो उसको और ज़्यादा मिलते। यार मैं अगर मैं मंगता मेरे को कहड़ा हुनर है ये। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सेकंड पार्ट शुरू हो चुका है जी, अल अवाइल अल जख्मी, यही नाम है, अवाइल गोल्डन होटल अल फंदक अल अवाइल अल जख्मी, ये होटल है जिसके पीछे बैक साइड पर बस खड़ी कर दी है उन्होंने और साथ में बोल दिया है कि हम रूम का भी पता ना करते चलें, लेकिन बाद में करेंगे यार अभी थोड़ी देर ठहर के फजर की नमाज के बाद। अच्छा पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था पार्ट वन, अभी पार्ट टू शुरू हो चुका है, मदीना शरीफ पहुँच चुके हैं, बस ने हमको यहाँ पर उतार दिया, हम नीचे उतरे, हमने बोला कि भाई इस होटल में वो बोल रहे हैं कि रूम आपको दे दिया गया है तो रूम में रहे जुम्मे का टाइम चले जाइएगा, तो भाई वो बाहर आए तो वो बोलते इधर से निकलो असर के बाद इधर पहुंच जाना अगर जाना हो तो, वरना आपकी मर्जी हम छोड़ जाएंगे। मैंने बोला चलो, तो अभी माशाल्लाह हरम शरीफ है सामने तो जा रहे हैं, मैं आपको अभी ज़्यादा करवाऊंगा इस पार्ट में पहुँचेंगे मुकम्मल तफसील जी। एक भाई मुझे सब्सक्राइबर मिले हैं जी, चैनल का विज़िट वगैरह करते हैं देखते हैं, मुझे अभी पहचान लिया है तो मुझे बोलते हैं आप हेडिया न्यूज़। मैंने बोला जी वैसे बेसिकली नाम तो मेरा मोहम्मद इरफान है, ठीक है। तो अभी जा रहे हैं हरम शरीफ की तरफ, तो हमें वो बारह बोल रहा था माशाल्लाह जो भी चैनल के मुतालिक बोल रहा था, अभी वो आगे निकल गया हमको बोल रहा है कि थोड़ा जल्दी जाना फजर की जमात के लिए, पहुँचो जल्दी। तो इंशाल्लाह जा रहे हैं जी, बस ने काफ़ी पीछे उतार दिया, अभी पैदल ही चलना पड़ेगा। सामने है जी हरम शरीफ, आपको मीनार दिखाई दे रखे होंगे मस्जिद के, अभी किस गेट से ये रास्ता जाता है ये तो आगे जाके पता चलेगा। तो इंशाल्लाह मदीना शरीफ की राउंड के बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स एंड खूबसूरत किस्म के व्यू आपको दिखाई देंगे इंशाल्लाह। फजर का टाइम है, एक मिस्टेक मैं कर चुका हूँ पहले ही पार्ट में आपके साथ, वो ये है कि मैंने मस्जिद कुबा में जो नमाज अदा की मैंने बोला आपको फजर की नमाज़ है, वो मुझसे मिस्टेक हो चुकी है, फजर की बड़ी नमाज अभी होनी है, वो वहाँ पर आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं। तो बहरहाल मैंने तो फजर सब के पढ़ ली, चलो अल्लाह माफ़ करने वाला है, तो बाकी अभी फजर की नमाज हरम शरीफ के अंदर इंशाल्लाह। देख लें माशाल्लाह अभी जमात शुरू हो चुकी है फजर की, हम रास्ते में हैं भाई क्या करेंगे, जाके वजू करेंगे तो पढ़ते हैं इंशाल्लाह, अभी दौड़ने का तो फ़ायदा कोई नहीं है, रश आप देख रहे हैं कितना है। बहरहाल फजर शुरू हो चुकी है जी, देख लें अभी फजर की नमाज के बाद नमाज जनाजा जो है उसकी जमात करवाई जा रही है, ज़ाहिर सी बात है इसमें सजदा वगैरह तो होता नहीं है कोई, तो नमाज जनाजा फजर के बाद अभी सलाम फेरा जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। मेन गेट जी मस्जिद नबवी का, ये नमाज जनाजा ख़त्म हो चुकी है फजर के बाद जी। तो एक चीज़ आपको बता दूं मैं कि आप हरम में आते हैं, ये बैग देख लें मेरा ये वाला, इस पर लैपटॉप है और चार्जर वगैरह है और एक गर्म चादर है, कपड़े हमने इसमें डाले हुए हैं, ये जो बैग है ठीक है, ये बैग जाने देते हैं वो, ये मेरे वाला जो बैग है वो नहीं जाने देते, वो बोलते हैं अंदर नहीं। तो मैंने फजर की जो जमात यानी कि नमाज पढ़ी तो वो भी बाहर खड़े रहा मैं, ये अंदर था जब ये बाहर पढ़ के आया, उसके बाद फिर मैंने बाहर से अंदर मैं गया हूँ वज़ू किया फिर मैंने पढ़ी। तो बैग अभी नहीं आप पास रख सकते, हम बाहर निकले हैं थोड़ा होटल वगैरह अगर मिल जाए कोई तो। रूम लिया है जी, तो ये रूम लिया है जी मदीना में हमने, फ़िलहाल तो मैंने देख ली जब बुक वगैरह रसीद वगैरह उन लोगों से कटवा ली है, एक और दो और ये जिसके ऊपर मैं बैठा हूँ ये तीन, ये फलारा मगारा मैंने डाल दी है, अब दो बंदे हम उसके ऊपर उसने बैग रख दिया है, इसके ऊपर मैंने रख दिया है, अब ये खाली पड़ा हुआ है। अगर आप दोस्तों में से कोई देख रहा है इस टाइम तो आ जाओ भाई इधर
हमारे साथ सो जाओ, और हमारे साथ तो कोई है नहीं जो हम जिसको सुला लें इधर दो चढ़। अच्छा आंदे ही वाशरूम च बढ़ गया वे लो इनके काम। तो रूम में हमने ले लिया जी और पैसे दे दिए हैं रूम के। मैं इंशाल्लाह ताला रूम की आपके साथ वीडियो कलैदा से शेयर करूंगा ना, उसमें कम्प्लीटली मैंने आपको बता दिया, वो एक मुकम्मल तफसील के साथ मैंने वीडियो बनाई है कि मदीना में हमने इस टाइप का जो रूम लिया है वो एक अलहदा से कैसे ढूंढा कैसे लिया, तो वो उसमें आपको बता भी दूंगा कितने का ये मिला है। तो बाकी तीन बेड वाला है, हम तो दो बंदे हैं भाई जी। तो अभी रूम से निकले हैं, वैसे रूम में तो हम आए थे कि सामान सिर्फ रखते हैं, रूम के मतलब आपको बता चुका हूँ मैं, बकाया डिटेल के साथ उसकी वीडियो अलहदा से एक शेयर कर दूँगा जैसे घूम फिर कर, वो वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाती है ना, मैंने इसलिए वो अलहदा से वीडियो बना ली है। तो सस्ते में मिला है रूम भी, मैंने आपको दिखा दिया। रूम में सोचा ये कि सामान रखते हैं, बाहर निकलते हैं नाश्ता करते हैं, सामान रखने गए, एक दोस्त की कॉल आ गई, घर से कॉल आ गई, सामान सेट करने लगे, मैं कुछ वीडियोज़ तो बनाई हुई थी मोबाइल में वो लैपटॉप में निकालने लग गया, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया। इस टाइम भी तकरीबन 8 बजे से ऊपर टाइम हो चुका है। तो अभी हम फिर रूम में वापस जा रहे हैं, मसूब पूछ इससे, मसूब की सलाह है कि मसूब खाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है मसूब इधर से मिले, बंगाली हैं सब। तो बहरहाल शॉपिंग के मतलब मैं देख रहा हूँ बहुत सी मार्केट हैं यहाँ पर बंगालियों के, सस्ते में सामान मिलता है। आपको इंशाल्लाह ताला तमाम तर चीज़ें दिखाता रहूँगा, कंटिन्यू चलता रहूँगा, पार्ट्स के साथ आपके साथ वीडियो शेयर करता रहूँगा जी। सिंपल नाश्ता लिया हमने, मसूब ढूंढा मिला नहीं इधर से, बंगाली लोग हैं, दाल ली है ऊपर उन लोगों ने छोरा डाल दिया, और साथ में रोटी शाही ली है, शाही मैंने उसको बोला थोड़ी देर ठहर के लाओ। मीठे में मैंने पूछा क्या है, बोलता हलवा है, मैंने बोला हलवा लाओ थोड़ा देखेगा चेक करेगा कैसा है, अभी लाएगा वो देखूंगा, हाँ देखते हैं क्या चीज़ है हलवा कैसा है जी। हलवा लिया है और मीठे में ये थोड़ा सा लिया है, चलो चेक कर लेते हैं कैसा है। सादा मैं तो शाही लूँगा भाई, सादा शाही, और ये पता पिएगा जी, बोलता है मैं दूध वाली चाय पिएगा। तो रोटी इनकी बहरहाल अच्छी है, दाल का जायका भी अच्छा है, हलवा भी मैंने चेक किया उसके बाद मंगवाया, ये भी मुझे बेहतर लगा ये। शॉपिंग के मतलब देख लें, बैग्स वगैरह, जाय नमाज, और भी बहुत सी चीज़ें। अच्छा कुछ वीडियोस में मैं आपको ये भी चीज़ें भी दिखाऊंगा ये शॉपिंग के लिहाज से, परफ्यूम भी रखे हुए हैं यार, तो मोस्टली प्राइस हैं इनके जो भी है, टाइट्स वगैरह, ये क्या चीज़ है, लिपस्टिक। अच्छा ये एक चीज़ देखना है, ये सुरमेदानी कितनी बड़े टाइप की, कंबल भी हैं यार इस मार्केट में, देख लें आप शर्ट्स वगैरह तमाम तक। ये तस्वीर है कितने कितने की वैसे, दो रियाल तीन रियाल कोई भी ले लें, दो रियाल तीन रियाल में सही है यार। ये कितने का है, 25। और ये खमसा वशीन बोल रहा है जी 25 रियाल, देख लें जी। ये जायनमाज कितने का है, ये जायनमाज कितने का है, 11 तो 17 ले, 17 रियाल का लिया हमने 5 बजे मार्केट से, और वहाँ से जद्दा से हमने पूछे तो वहाँ से हम ये बताते हैं 25 रियाल का बनी मालक, हालांकि मनी मालक भी गाड़ा आपको पता, लेकिन यहाँ पर बंगाली बैठे हुए हैं 15 रियाल का बोल रहे हैं, जानमाज वही सेम है, अच्छी चीज़ है यार। बरहाल ज़ाहिर बात इन मार्केट्स वगैरह में 1-1 रियाल की तस्वीर है जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, मार्केट्स वगैरह में आप खरीदते हैं ये 2-2 रियाल की है, तो यहाँ से कुछ सामान सस्ते भी मिल जाते हैं।